all these things, yeah. But still, I think there's always a risk in any film that one makes. There's always a risk in any interpretation that one does. And filmmaking itself is a risk. It's one day you're on top, one day you're down, one day you have a hit, one day you don't. My career is in front of all of you. Kabhi filmen chalti hain, kabhi filmen nahi chalti hain. The moment you enter the film industry, you know ke risk to sab kuch mein. कमलेश जी ने कितनी अच्छी बात कही कि लोगों को सब कैरेक्टर्स पता है, लोगों को सब सीन पता है, सीन में क्या होने वाला है वो भी पता है, लेकिन फिर भी देयर इज ऑलवेज अ टाइम, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर ग्रेट माइंड्स लाइक कमलेश जी टू कम अप विद समथिंग, टू राइट समथिंग, टू हैव अ थॉट दैट इज रिलेवेंट टुडे. और यही हमारी अटेम्प्ट है कि किस तरह जो सीन्स आप जानते हैं. Ramayana is not just about a man losing his wife and trying to get his better back. It is not. Not at all. Ramayana is not just about this man losing his wife and then just getting his back. Getting her back. Tagore ne kya kaha tha ki Ramayana is the epic of domestic life. Domestic means, और जो हमने पूरी कोशिश की है, राम और सीता का रिश्ता क्या है आज की तारीख, आज के कॉन्टेक्स्ट, राम लक्ष्मण का रिश्ता क्या है, राम हजरत और भैरव और कैकेयी का रिश्ता क्या है, भाइयों का आपस का रिश्ता क्या है, सुग्रीव वाली का रिश्ता क्या है, ये सारी बातें जो है ये पारिवारिक रिश्ते हैं. ये कहानी सिर्फ एक ये नहीं है कि भाई बीवी चोरी हो गई तो राम रावण को मारो, बीवी को बल बचा के ले आओ, नहीं, वो तो एक छोटा सा एक सब प्लॉट है. मेन प्लॉट ये है कि हमारे अंतर संबंध कैसे हो, परिवार में, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, बीवी और पति और पत्नी के साथ. ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला, और जब तक ये सवाल खत्म नहीं होने वाला, राम कथा खत्म नहीं होने वाला. Film keeping these things in mind. They're just part and parcel. They're there in India. They're there in all places of the world. These are just small elements and little support that one gets. It's just a support that one gets, which is good. It's good that the main idea and the purpose of all these things is for cinema to transcend boundaries, for cinema to be accessible and reach all over the world. So that is the importance. These are small technical business aspects of it, which are just there. You know, it's not a big deal. It's a good thing. It's a support. But the main purpose of all this is for cinema to transcend boundaries, for thoughts to transcend boundaries, for stories to transcend boundaries. I think for that you have to wait for the film to release and then see it. शुरू में मैं भी ये गलती करता था. चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए और इतना मजा आएगा, बिकॉज़ दिस इज नॉट अ रूटीन काइंड ऑफ अ फिल्म. आई मीन टू से म्यूजिक थोड़ा अलग होगा, क्लासिकल होगा, और हम जो म्यूजिक आजकल सुन रहे हैं टोटली अलग है. आपके लिए इतना चैलेंज किया है. वाह यार, बड़ा क्वेश्चन. इतने इतने बड़े बड़े चैलेंज छोड़ दिए यार, तुम क्या बोल रहे हो. मतलब यू नो, आई इफ यू डोंट माइंड आई विल आंसर दैट. एक्चुअली साजिद भाई और वाजिद भाई, दे हैव अ क्लासिकल बेस इन देम. यू नो, दे हैव देयर बेस इज क्लासिकल. लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे गिव म्यूजिक. अभी ये रिक्वायरमेंट है कि वी नीड समथिंग. कुनाल भाई सॉरी, मेरा पहला एल्बम आया था दीवाना, इट वाज प्योर रोमांटिक, प्योर रोमांटिक रोमांस, बट मैंने आज तक कभी रोमांस ही नहीं किया उसके बाद. यू नो, आई स्टार्ट गिविंग जलवा एंड ये एंड दिस एंड आइटम एंड ये वो. सो आई थिंक वंस यू नो योर आर्ट, यू मोल्ड इनटू एनीथिंग एंड यू बिकम एन आर्टिस्ट ऑफ दैट एरिया. सो रामायण इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड
यू नो इट इज अ न्यू एज सब्जेक्ट राइट नाउ. आजकल का हमारा दौर अगर आप देखो ना तो पुराने पुराने गाने हैं ना नए नए लोगों के नाम से आ रहे हैं, बट वो कंटेंट चल रहा है उसके साथ साथ नाम भी चेंज होते जा रहे हैं. सो द न्यू जनरेशन डजंट नो अबाउट इट. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू दैट कुणाल कोहली इज इंट्रोड्यूसिंग राम सीता एवरीबॉडी टू द न्यू जनरेशन दे व्हाट दे वर. जैसे मैंने कहा कि एवरी टाइम आई सिट विद कमलेश जी आई गेट टू लर्न सो मच. आई सिट विद मिस्टर नरेंद्र कोहली इन दिल्ली आई गेट टू लर्न सो मच. कमलेश जी जब डायलॉग देते हैं जब थॉट देते हैं मुझे कुछ सीखने को मिलता है. व्हेन आई सिट विद साजिद वाजिद आई लर्न सो मच अबाउट म्यूजिक. सडनली वाजिद भाई विल से अच्छा ये राग में यू नो कि ये राग दिल्ली में आएगा. साजिद भाई जो रिदम का सपोर्ट देते हैं एंड देन ही आल्सो से अच्छा नहीं ये राग इस मूड के लिए ठीक है. सो दे टॉक अबाउट राग्स यू नो वो राग के बारे में बात करते हैं एंड डेफिनेटली एंड इट इज नॉट के यू नो के अच्छा हमारे बैंक में ये चार गाने देखो कहां पर फिट होते हैं. वैसा नहीं है. दे आर वो सीन देख रहे हैं माहौल देख रहे हैं पूरा एनवायरनमेंट देख रहे हैं. दे आर सीइंग कि अच्छा यहां पर क्या होगा. देन दे आर इवन थिंकिंग अहेड अच्छा ये सीन है इसमें बैकग्राउंड में ऐसा करेंगे. तो दैट्स द एंड द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग इज सो मच मोर एनलाइटनिंग व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग एंड आई थिंक आई एम लर्निंग व्हेन आई एम विद दीस क्रिएटिव पीपल. आप एक्चुअली मेरे यू नो यू आई टेल यू वन थिंग यू नो टू डिजाइन हनुमान इज व्हाट अ मैजिकल वर्क वन कैन गेट. टू डिजाइन राम सीता व्हाट अ मैजिकल वर्क. I've designed one of the biggest, you know, guys. But now I'm getting an opportunity to design Hanuman, you know, and he's given me some scene where Hanuman becomes big. And we are just concentrating on each and everything. So it's going to be fantastic. Hanji, Kaushik, we're making any film. It's not just, I mean, I got into a problem when we were making Fana. You know, we had a problem then during the release. So I think these are unfortunate things that happen. One has to be very cautious, which is why we have people like Mr. Narendra Kohli who are our consultants. And if you see his body of work, you realize how accurate he is and how good he is. And then, hopefully, there should not be a problem. I mean, Ravan ke itne version TV par bhi aaye hain. Siya ke Ram abhi haal hi mein aaya tha. Z par bhi ek Ram aaya thi. So it is, and so I hope and pray that we don't have these problems. जितनी रामायणें हैं 200 वो सब हमारी बुनियाद है सब हमारी बेस है. कोई एक किताब बेस नहीं है क्योंकि अगर आपने दोनों किताबें पढ़ी हैं वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की दोनों में बहुत फर्क है और उसके साथ अगर साउथ की पढ़ी है जो महाराज कम्बन की रामायण वो तो और भी अलग है. जैसे उदाहरण देखिए कम्बोडिया के रामायण में हनुमान जेम्स बॉन्ड की तरह हैं हमारे ब्रह्मचारी. तो नहीं हमने किसी एक किताब को आधार बनाने की कोशिश नहीं की है. हमने मूल कथा को लिया है. हमने कथा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है. जो किरदारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है हमने उन्हें रीइन्वेंट किया है आज के समय की जरूरत के लिए. हमारे आज की जो यंग ऑडियंस है जो यूथ ऑडियंस है उनके लिए हमने राम और सीता और लक्ष्मण और रावण और बाकी सबको एक तरह से रीइन्वेंट किया है कथा को भी और किरदारों को भी बिना कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ किए या बिना किरदारों के साथ कोई लिबर्टी. ये बहुत अहम है. तो कोई एक किताब हमारी बुनियाद है. आपको खुद को पूछना चाहिए मुझे नहीं ये सवाल इस मुल्क के हर आदमी को पूछना भैया मैं मेरे अंदर राम कहाँ है कि नहीं. अगर होते तो ये हाल नहीं होता जो हो रहा है मुल्क का. अगर होते तो हमारी कोशिश वही है कि वो And we just started the film. I think it's budget जो है वो है. I mean it's an appropriate budget to make the film. अभी film के start में अभी budget की बात करना is not right. And we have the appropriate budget to make the film. So I don't want to disclose things like the budget because it's not relevant. मतलब अब शोले कितने में बनी थी हम तुम कितने में बनी थी क्या फर्क पड़ता है. पिक्चर अच्छी बननी चाहिए thoughts अच्छे आने चाहिए that's important. Our last question. Okay. Thank you.